भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को यानी कल महामुकाबला देखने को मिला और भारत ने पहले बल्लेबाजी की और 151 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई। इस मैच में काफी कुछ उठक पटक देखने को मिली। भारतीय ओपनर बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए और मैच के दौरान एक वाकया ऐसा हुआ कि ट्विटर ट्रेंड करने लगा अंपायर्स को लेकर। दरअसल जिस तरीके से कल अंपायर्स ने राहुल के खिलाफ फैसला दिया वो निश्चित तौर पर दिल तोड़ने वाला था। दरअसल ये भारत की पारी का तीसरा ओवर था। इस ओवर के पहले ही गेंद थी जिस पर राहुल आउट हो गए, लेकिन फ्रेम में देखा जा सकता है कि गेंद नो बॉल थी। पहले अंपायर्स ने बॉल को नो दिया, लेकिन उन्होंने बाद में फैसला पलट दिया और राहुल को आउट होना पड़ा। इसके आउट होने के बाद फैंस ने जमकर अंपायर्स को लत्ता लगाई और खूब खड़ी खोटी सुनाई कि इतने बड़े मुकाबले में इतने बड़े बल्लेबाज को इस तरीके से कैसे आउट दे दिया गया। मतलब आप देख सकते हैं जी किस तरीके से अंपायर्स का गलती का सजा अब भारत को भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद फैंस ने अंपायर्स को जमकर खड़ी खोटी सुना दी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि वो गेंद नो बॉल थी या फिर राहुल आउट हो गए थे? कमेंट करके आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। साथ ही वर्ल्ड कप से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ चैनल को।